हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन दाने से बहुत ही टेस्टी पुआ। ये खाने में भी टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी पुआ बनेगा इससे। तो ये सोयाबीन दाना है, इसे रात भर के लिए भिगो के रख दें या 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखें और फिर इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। ये मैं बना के रखी हूँ, इस तरह का पेस्ट बना लें और फिर इसमें मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के, 1 कटोरी मैदा लगेगा, इसे घोल, पुए का घोल जैसा इसे तैयार करेंगे। एक और पुआ आज बनाएंगे जो जिस पाव से पाव भाजी हम बनाते हैं उससे पुआ बनाएंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही इजी है। तो आज मैं दो तरह के पुआ बनाना बताऊंगी, तो आप वीडियो देखें जरूर। चाशनी बनाने के लिए इस मग से 1 मग चीनी डालें और 2 मग पानी डाल के इसे बस शहद जैसा काढ़ा बनाना है। अब एक बॉल ले लें, इसमें पिसा हुआ सोयाबीन डालेंगे, फिर उसमें सौंफ पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ पाउडर। आप कर लें घर में या रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा घर का बना हुआ है। अब 1 कटोरी मैदा को इसमें रखेंगे और पानी के साथ अच्छे से घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाएं ताकि कोई लम्स ना रहे। और हल्का सा पानी अभी और पड़ेगा, एक बना के देखेंगे। अगर फटने लगेगा, ज्यादा फटेगा, दिक्कत आएगी, तब हल्का सा मैदा और डालेंगे, या मोटा बनेगा तब हल्का सा पानी और डालेंगे। इसका गाढ़ापन इतना ही होना चाहिए। आप इस तरह से उठा के देखें, ये अभी ठीक लग रहा है, मैं बना के देखते हैं। इसका गाढ़ापन इतना जरूर रखें तब पुआ बनाने में आसानी होगा। अगर गाढ़ा लगेगा तो उसमें पानी मिला लेंगे। बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे धीरे धीरे करके निकाल लें और उसी चाशनी में डाल दें। सोयाबीन पुआ के साथ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का चाशनी सेम रहेगा। उम्मीद
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी पाव और सोयाबीन की पुआ बहुत पसंद आएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, हैप्पी होली।